कुमकुम भाग गया कि आज के एपिसोड पर यह किसी नौतियार को सोच रहे थे किस तरह वो अपने अपूर्व के एंगेजमेंट को तोड़े। इतने में उसे एक आइडिया आता है, वो अपनी उंगली काट लेती है। थोड़ी देर बाद उसकी उंगली से बहुत खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश होने लगती है। इतने में अभी प्रज्ञा को जमीन पर गिरे देखता है और भागते आता है और चिल्लाता है और प्रज्ञा को अपने कमरे में ले जाता है। इतने में मिताली आलिया टोली को प्रज्ञा के बारे में बताती है और बताती है किस तरह भी प्रज्ञा की चेयर कर रहे हैं, जिस पर आलिया कहती है लगता है प्रज्ञा ने अपनी उंगली जान पूछ कर काटे ताकि वो अपनी अपूर्व के एंगेजमेंट रोक सके। दूसरे प्रज्ञा डॉक्टर कॉल करता है। इतने में प्रज्ञा होश आती है और बताती है कि उसने अपनी वो उससे अपनी उंगली गलती से काट गई। अभी को प्रज्ञा की हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स की एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी और हमें इनकी एंगेजमेंट सेरेमनी की डेट आगे करनी पड़ेगी। जिस पर दादी कहती है कि लगता है अब प्रज्ञा की एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी उसी फिंगर पर चोट आई जिस पर पूरब ने उससे अंगूठी पहना ली थी। दूसरा आलिया को बहुत गुस्सा होता है और वो सोचती है कि हमें ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होने देनी। इतने में निखिल कहता है कि लगता है आलिया का एक और प्लान फेल हो गया, जिस पर आलिया को निखिल पर बहुत गुस्सा आता है और वो निखिल पर चिल्लाती है, जिस पर कौन निखिल को जाने को कहती है। दूसरा सरला प्रज्ञा बीजी और पूरब घर वापस पहुँचते हैं। सरला प्रज्ञा पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, जिस पर प्रज्ञा कहती है कि मैं अभी अपने रिश्ते बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जिस पर सरला इमोशनल हो जाती है और प्रज्ञा को गले लगाती है। अगली सुबह प्रज्ञा अभी के घर पहुँचती है और अभी प्रज्ञा के लिए कॉफ़ी बनाता है और अभी प्रज्ञा से कहता है कि आज तुम कुछ काम ना करना, सिर्फ तुम अपना ख्याल रखना है। अभी प्रज्ञा से कहता है कि जब मैं तुम देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, जिस पर प्रज्ञा कहती है कि ऐसा क्यों होता है, क्या हम दोनों का कोई रिलेशनशिप है। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज टीवी फॉर डेली कुमकुम भाग्या न्यूज़ एंड अपडेट।